बेवकूफ इंसान, एक यतीम का हक खत है। जब यतीम रोता है ना तो अल्लाह का अर्श कांप उठता है, अल्लाह का अर्श। कारी साहब, ये बच्चा दीवार के साथ खड़ा रो रहा था, मैंने इससे बहुत पूछा लेकिन कुछ नहीं बता रहा। जी भाई, मैं जानता हूँ इस बच्चे को, इसका बाप 2 महीने पहले तो फोत हुआ है। ये चौधरी इस्माइल का बेटा है, बहुत अच्छा और नेक इंसान था इसका बाप। हाँ बेटा, क्या मसला है, क्यों रो रहे हो? मेरे चाचू ने मुझे मारा है और मुझे घर से भी निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? चलो बेटा, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। उस्ताजी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बेटा, हम आपको बाप वाला प्यार तो नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको सब्र दे और आपके अब्बू को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। अरे यार, तुमने सही मशवरा दिया, मैंने मार मार के उसे घर से निकाल दिया, अब कभी वापस नहीं आएगा। उसको तो ये भी नहीं पता उसका बाप कितनी जायदाद छोड़ के गया है, कितने पैसे छोड़ के गया है, उसको ये भी नहीं पता, अब सारी जिंदगी तो मौज मार मौज। दोस्तों, कुछ सुना आपने? अच्छा, तो ये बात है। उस्ताजी, इस शैतान को तो मैं समझाता हूँ। ओ बेवकूफ इंसान, एक यतीम का हक खत है। जब यतीम रोता है ना तो अल्लाह का अर्श कांप उठता है, अल्लाह का अर्श। और अल्लाह फरमाता है, किसने यतीम को रुलाया? अल्लाह फरमाता है कोई जो यतीम के आंसू पूंजे और मेरी रहमत की छांव में आ जाए? ओ लालची इंसान, एक यतीम का हक खाता है। याद रखना, ये जायदाद मरने के बाद काम नहीं आएगी। ओ लालची इंसान, अल्लाह पाक ने इंसान को जिंदगी दी है अपनी इबादत करने के लिए, और तू कागज के टुकड़ों के पीछे लगकर इस यतीम को मार रहा है। याद रखना, कफन में कोई जेब नहीं होती और ना ही कब्र में अलमारी होती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता तो रिश्वत भी नहीं लेता। कल क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाओगे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मेरे नबी ने फरमाया कि यतीम के सर पर हाथ रखो, यतीमों से मोहब्बत करो। मेरे नबी ने फरमाया कि यतीम के सर पर हाथ रखने से उसके जितने सर के बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आ जाएं, उतनी नेकियां तुम्हारे नामा अमाल में डाल दी जाएंगी। और तुम इस यतीम का हक खाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम प्यारे आका करीम के उम्मती नहीं हो? रोजे महशर क्या मुंह दिखाओगे आका करीम को? बेटा, मैं जायदाद की लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो।